दारुल अमान में एडिशनल इंचार्ज मोनिबा की निगरानी में आज सफाई के दिन का अहतमाम किया गया, इसी पर जारिया अंसारी से बात करेंगे। जी जारिया, इस वक्त दारुल अमान में ख्वातीन को जो कि एक शेल्टर है, ख्वातीन ऐसी जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाती हैं, ख्वातीन हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें किसी भी मसाइल का सामना करना पड़ता है तो उन्हें अपने सर के ऊपर एक छत की पनाह देने वाला जो दारुल अमान एक ऐसा इदारा है जहाँ पर इन ख्वातीन को एक घर जैसा माहौल मिलता है, उनके लिए एक शेल्टर, एक सर की छत उनके लिए अवेलेबल होती है। क्योंकि ख्वातीन को जब मसाइल का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए बहुत से और मसाइल पैदा हो जाते हैं, उसी हवाले से जब उन्हें घर का सहारा नहीं मिलता, जब उन्हें अपनी फैमिली, अपने शौहर या अपने वालदैन की तरफ से भी कोई ऐसी पनाह नहीं मिलती, तो दारुल अमान में उनके लिए बहुत से मसाइल जो हैं एक घर जैसे माहौल में आकर उनको एक सर के ऊपर उनके छत मिल जाती है जहां पर उनको उनके मसाइल के हल करने का भी सहारा मिलता है। इसी वाले से यहां पर जो जिस वक्त जो एडिशनल इंचार्ज है मुनीबा मेरे साथ मौजूद है, आइए मुनीबा से बात करते हैं कि आज का जो दिन है दारुल अमान में वो किस हवाले से आज इनका सफाई का दिन चल रहा है या आज इस इदारे के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगी। जी मुनीबा, मुझे ये बताइएगा कि आप एडिशनल चार्ज आपको दिया गया इस हवाले से आज आपकी यहाँ पर जो भी जिम्मेदारियाँ चल रही हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल अमान बेसिकली ऐसी ख्वातीन के लिए इदारा है जिसमें हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं जिनको बहुत सारे मसाइल हैं, वो लीगल उनके कोर्ट केसेस हैं या उनको वैसे अपनी फैमिली की तरफ से इश्यूज हैं या किसी और तरह के वो मसाइल का शिकार हैं, वो हमारे पास आती हैं, हम उनको यहाँ पे रखते हैं और उनको घर जैसा माहौल प्रोवाइड करते हैं, उनको यहाँ पे खाने पीने की सहूलियात, कपड़े और हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हम अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के कर सकते हैं वो हम इनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और आज के हवाले से मैं खसूसी तौर पे बात करती जाऊँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन